हेलो फ्रेंड्स, मेमोरी टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा कि मेमोरी टेस्ट के नाम से जो ALP एस्पिरेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेमोरी टेस्ट के साथ हम कैसे डील करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेमोरी टेस्ट या स्मृति परीक्षण के ही एक टाइप को एसोसिएशन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, एसोसिएशन टेस्ट पर हम एक्चुअल फील के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसे कैसे हमें मतलब प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आसानी से हम इसमें 42% लाने, हम कैसे आसानी से इसमें 60-70% ला सकें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो फ्रेंड्स 2 मिनट का टाइम होता है और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 12 क्वेश्चन होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, जैसे एक ये आकृति है और यहाँ पर ये इस टाइप से बना, मान लो ये चीज़ ब्लैक है, ये चीज़ ब्लैक है, ठीक है। अब आपको होगा क्या, इस टाइप से डिज़ाइनें बनी होंगी, आपको वो याद करनी है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये इस तरीके से है, यहाँ पे गोल है और यहाँ पे ओवल टाइप का है, यहाँ पे एक ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर पता चला ये ब्लैक है, और तो आपको ऑप्शन में क्या होगा कि यही चीज़ दी होगी उधर और यहाँ पे ये चीज़ ब्लैक नहीं होगी या ये ब्लैक होगी, तो आपको यही चीज़ पहचाननी होगी। और ये जो आपका क्वेश्चन डायग्राम होगा जिसमें 12 आकृतियाँ आपकी होंगी वो हो जाएगा गायब। तो आपको कैसे इसे याद करना है और कैसे इसे आसानी से मतलब 60-70% मार्क्स ला सकते हैं, इस पर हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि गिवन टाइम में 3 मिनट का टाइम होगा, आपको फ़ोटोज़ आएंगी, मतलब 2 मिनट का टाइम होगा और आप वो फ़ोटो को लर्न करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेकर 12 तक आप नंबर लिख लेना और उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही फिर से टाइम स्टार्ट होगा 2 मिनट का और आंसर्स आएंगे, वहाँ पे आपको क्या करना, अपने आंसर्स लगाने, जैसे BCD या जो भी आपके आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक एक्चुअल मतलब टेस्ट की तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट सीखने, सारी चीज़ें बेसिक हैं, सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रैक्टिस मतलब आप करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आपको लर्न करना है विद इन गिवन टाइम, उसके बाद आपको करने, जस्ट तुरंत बाद उसके आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको मतलब 4 मिनट के लिए एकदम बी अलर्ट, एकदम एग्ज़ाम की फीलिंग के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेल आइकन को दबा दें, इससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। इससे आपकी, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अब क्वेश्चंस को हमें याद कैसे किया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कई क्वेश्चनों में आपको डाउट भी हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे, तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, हमें बहुत बारीकी से क्वेश्चंस को देखना होगा। ठीक है, तो दो मिनट का टाइम है फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आकृति देख सकते हैं, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको सब पोजीशन देखनी होगी। जैसे कि इसकी पोजीशन क्या, दो इसमें ब्लैक डॉट है, लेकिन ये वाली छोटी है, ये बड़ी है, और इसकी पोजीशन देख लो कि कहाँ पर है, कि ये इसके नीचे की साइड में है। ठीक है, अब जैसे कि देखते हैं ये वाली, तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें एक देखो वर्ग बना है और ये लाइन आगे निकली है और ये चीज़ ऐसे नीचे को है। देख लो कि ये गोल नहीं है, अंडा आकार की है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं ये, तो एक त्रिभुज के अंदर ये वृत्त है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लें कि एक ये ब्लैक अंडाकार, और इसकी पोजीशन देख लें बीच में नहीं है, ये ऊपर की साइड में है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख लें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखो कि एक इस तरीके से उल्टी सी कैप है, ये समझ सकते हो आप, और ये बीच में ऐसा है, तो बीच में देख लो गोल नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये लास्ट वाला, इस साइड वाला, इसमें क्या फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक अंडा है और ये इस तरीके से, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखें तो ये इस तरीके से ब्लैक है। ठीक है, और बिल्कुल सीधा है ये। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर दो स्क्वायर मतलब दो वर्ग हैं, और ऊपर की साइड में ये गोला है वो बड़ा है, और नीचे की साइड में छोटा है। देखो दोनों वाइट हैं। ठीक है, और इधर वाले दोनों ब्लैक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, देखो एरो है, एरो इस साइड में जा रहा है, और एरो के इस पीछे की साइड में देख लो कि एक डॉट है, और इधर ये छोटे छोटे डॉट हैं, तो ये लगभग बराबर ही हैं, इससे ये थोड़ा वाला बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक गोला जैसा बना है, और एक ये ऐसे काट रहा है, और इनके बीच से जाते पे एक ऐसा है, और ऐसा ये ब्लैक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं क्या है कि दो लाइनें ऐसी हैं, एक ऐसी है, तो एक गोला यहाँ पर है और एक यहाँ पर है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी हमें याद हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, एक अंडा कार आकृति है, और ये यहाँ पे गोल गोल है, और ये एरो है, तो ये गोला है, नीचे देख लो गोला कितना बड़ा छोटा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लो, इसमें क्या है, देख सकते हैं कि इस तरीके से आकृति बनी है, और ये अंडा अंडाकार आकृति ब्लैक है, और ये अंडाकार है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज़ देख लें कि एक क्या है, ट्रायंगल है यहाँ पे, लेकिन ट्रायंगल के नीचे फ्रेंड्स देखो एक प्लस का साइन है, तो ये देखो इस तरीके से ऊपर को थोड़ा निकला है और नीचे को ऐसा है, और ये देख लो बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, इस साइड में है, और ये ब्लैक वाला पोर्शन इस साइड में है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखना होगा, तो कई बार ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, और बुक्स में भी कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है, लेकिन आप ये है कि 12 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन लगभग सही करें। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आपने जितना स्कोर किया वो आप ज़रूर बताएं, उससे मैं आगे प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ऑप्शन इसमें देख सकते हो, देखो ये चीज़ सब सेम लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि ये कैप थी हमारी, कैप का मतलब है नीचे की चीज़ ये बड़ी थी, और यहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट हुआ था, इसमें तो यहीं से स्टार्ट है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो नीचे वाली चीज़ कितनी छोटी है, लेकिन कैप में ये चीज़ लंबी थी। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बीच वाला जो ब्लैक है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ हमारा ये देखो कि एक ही तरह लग रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, दूसरे में क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि मतलब ब्लैक ब्लैक था, देखो ये तो था नहीं क्योंकि बीच में लाइन नहीं थी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला, ये देखो मतलब इस टाइप से अंडाकार आकृति थी, लेकिन ये तो गोल गोल सी लग रही है, तो एक तो ये भी नहीं होगा। अब हमें डाउट है इन दोनों में, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कौन सा हमारा हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि ये डायग्राम में बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे। अब बुक्स ने अच्छा प्रिंट नहीं किया है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर बना दिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप मतलब 50-50 चांस है तो आप लगा देंगे,
अब कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में भी गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन में मतलब दोनों एक से हैं तो जो सा मन करे वो लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमारा बना हुआ था, बाहर को निकला हुआ था। इसमें देखो दोनों साइड निकला तो ये तो होगा नहीं, इसमें थोड़ा सा निकला ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये वाला और ये वाला बचा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ जो हमारी थी और ये चीज़ थी, देखो ये चीज़ तो ऊपर निकली जा रही लेकिन हमारी ऊपर नहीं, हमारी नीचे को थी। तो फ्रेंड्स थर्ड का हो जाएगा ए। आप प्रैक्टिस, ये पीडीएफ में इसकी फाइल होगी, आप एक से दो बार इसे प्रैक्टिस खुद से करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये फोर्थ वाला। तो फोर्थ में फ्रेंड्स देखा होगा कि जो प्लस वाला साइन था वो हमने बाद में ही बात की थी कि ऊपर को कम निकला हुआ था, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, तो ये तो इस साइड में प्लस आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं था, वो तो हमारा उस साइड में था, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये बीच बीच में है तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्थ का बी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ में फ्रेंड्स क्या था कि फिफ्थ में हमारा मतलब बीच में एक सर्कल था, एक ट्रायंगल था और एक अंडा आकार का था। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल मतलब बीच का सर्कल टच ही नहीं कर रहा है हमारा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे गोला इतना बड़ा था क्या जितना बड़ा इसमें दिख रहा है? बिल्कुल नहीं ऐसा था। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ये चीज़ जो थी वो हमारी ऊपर टच कर रही थी क्या जैसे कि इसमें कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही थी, हमारे यहाँ पे था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सिक्स्थ में फ्रेंड्स देखो कि हम बताया था कि एक ऐसे है और ये अंडाकार है और यहाँ से शुरुआत हुई है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके अंदर घुस गया हो, अंदर नहीं घुसा था। जैसे कि इसमें देखो ये अंदर ही घुस गया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी अंदर घुस गया, ये भी नहीं होगा। इसमें ठीक है बाहर को है, इसमें तो तीन है, तीन ब्लैक तो थे ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा सी। ऊपर फ्रेंड्स ऑप्शन लिखे होंगे ऐसे ए बी सी डी, इस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ में फ्रेंड्स देख लो कि सेवेंथ में क्या है कि इस तरीके से एरो बने हुए हैं, तो ये बीच में क्या मिले हुए थे? बिल्कुल नहीं मिले थे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और एरो का हमें जो आगे का भाग था उस पर भी थोड़ी नज़र माननी थी कि कैसा होगा। तो अगर आपने देखा होगा कि नीचे वाला पोर्शन ये पीछे वाला था और ये वाला था लगभग बराबर था, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो बहुत ही छोटा है, ये भी नहीं होगा, तो इन में से डाउट रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो डॉट थे इनके मतलब जो इस तरीके से ये ब्लैक डॉट थे, ये इसमें देखो बहुत ज़्यादा दूरी पर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, इससे सटे हुए थे हमारे में। तो फ्रेंड्स सेवन्थ का आंसर हो जाएगा ए। इतनी बारीकी से देखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टफ अगर आ जाते हैं तो सच में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इन पर प्रैक्टिस करनी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एर्थ। एर्थ में फ्रेंड्स क्या है कि मतलब बीच में अंडाकार आकृति थी, ऐसी लाइनें थी, और उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पे एक चीज़ ऐसे ब्लैक ब्लैक थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो दोनों साइड में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो बीच की चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ये भी गलत हो गया। अब बची ये चीज़ और ये चीज़। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये अंडाकार आकृति है और ये चीज़ लंबी सी बना दी, इसके अंदर बना था, तो इसके अंदर तो नहीं था, वो तो बाहर था। मतलब नीचे की लाइन अगर देखी जाए तो नीचे की लाइन थी ये, ऐसे नहीं कि यहाँ तक ऐसे आ गई और यहाँ पे था, नीचे में कवर नहीं था, वो बाहर की तरफ था, जैसे कि यहाँ पे बाहर की तरफ है। तो फ्रेंड्स डी का आंसर हो जाएगा, मतलब एट का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। नाइन्थ का देख लेते हैं फ्रेंड्स। नाइन्थ में क्या है फ्रेंड्स कि एक गोला था और ऐसे एरो था, नीचे भी था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हमें एरो को देखना होगा कि एरो हमारा कैसा था। तो फ्रेंड्स आपने अगर थोड़ा गौर किया होगा तो जैसे कि यहाँ पे एरो कैसा है, ये एकदम ऐसा बना ट्रायंगल की तरह, ऐसा नहीं था, हमारा एरो था जो इस तरीके से एरो होता है, ये वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो इन तीनों में लगभग सेम सा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें फ्रेंड्स एरो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये नीचे वाला चीज़ बहुत छोटी लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि नीचे वाली चीज़ छोटी लग रही है, और ये वाला गलत हो जाएगा कि एरो जो आगे बना है वो ट्रायंगल टाइप का। अब इन दोनों में से रहा,
दोनों में से फ्रेंड्स ये चीज़ देखो कि यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, ये कि जो नीचे का पोर्शन है वो कितनी कम जगह है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा जगह है। तो हमने जो डायग्राम देखा था उसमें ज़्यादा जगह थी या कम थी, चिपका हुआ था क्या, क्या इस तरीके से था, ये यहीं पे था ऐसे, या फ्रेंड्स ये नीचे को था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये नहीं होंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल चिपका नहीं था, ये वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो मिनट का टाइम, इसे बारीकी से देखना होगा फ्रेंड्स। टेंथ का देखते हैं फ्रेंड्स, दो डॉट थी, एक अंदर एक बाहर, यानी बाहर क्या ऊपर की तरफ थी, बिल्कुल नहीं थी। बाहर क्या यहाँ पे थी, इसमें ऐसी थी, ये तीन डॉट थी, तो तीन तो थी नहीं, ये भी गलत हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं ये चीज़, यहाँ पे क्या चीज़ है, दोनों चीज़ें आपको देखने में लग रही होंगी कि सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है फ्रेंड्स कि इसमें हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि अगर यहाँ पे देखें ये चीज़, तो यहाँ पे इस तरीके से था, जैसे ये, फिर ये, फिर ये ऐसे था, और यहाँ इस वाले में क्या है फ्रेंड्स, ये ऐसे करके सीधे ही बना, तो ये चीज़ नहीं है। तो हमारा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास में बोर्ड पे पढ़ाता तो फ्रेंड्स टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और आप लोगों को ऐसा नहीं है कुछ बोर्ड पे सब बनाना पड़ता, तो मैंने सोचा कि यहीं पे पढ़ाना मतलब सही रहेगा। फ्रेंड्स अगर ये 11वां क्वेश्चन, जहाँ तक उम्मीद है कि आपने सही कर दिया होगा, इस तरीके से दो लाइनें थी ऐसे, ये एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और ये ऐसा था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वाला भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दो तो वर्ग थे ब्लैक ब्लैक, और ऊपर की साइड क्या था, बड़ा वाला था, और नीचे की साइड छोटा था, लेकिन दोनों वाइट थे, तो दोनों छोटे ये भी नहीं, दोनों बड़े ये भी नहीं, एक ब्लैक बिल्कुल नहीं, तो 12 का हो जाएगा फ्रेंड सी। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और PDF इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें फ्रेंड्स।